Khalistani attacks against India. Police in New Delhi have booked Khalistanis in London for terrorism. Police in India have launched a manhunt. They are cracking down on the network of Amritpal Singh. खालिस्तान पंजाब राज के कुछ अलगाववादी ये चाहते हैं कि पंजाब और उससे सटे कुछ अन्य राज्यों को मिलाकर एक ऐसा देश बनाया जाए जहां पर सिख लोग रह सकें और वहां पर वो सुरक्षित रहें। खालिस्तान की मांग सिख राष्ट्र के लिए की जा रही है और इसके लिए हमें सिख धर्म को समझने की ज़रूरत है। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की थी, जिसके बाद सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनके आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के बहुत सारे नियम कायदे बनाए और इनके तौर तरीके तय किए और उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की और मुगलों से बचने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा आर्मी की शुरुआत करी थी। धीरे धीरे सिख धर्म ने 12 ऐसी रियासतों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था, जिसके बाद राजा रणजीत सिंह ने लाहौर जीता और 1801 में अपने आप को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया, जिसके बाद आज के अफगानिस्तान और तिब्बत तक सिख धर्म का साम्राज्य फैल गया और यहीं पर एक सिख साम्राज्य का जन्म होता है। और ये सब कुछ होने के बाद फिर अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेजों के शासन में सिख, मुस्लिम और हिंदू सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन सिख समुदाय के लिए एक अलग से देश बनाने की मांग उठी 1929 में, जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। खैर, प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस के ही 3 नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत की, और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि दलितों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें संरक्षित होनी चाहिए और उन्हें जगह मिलना चाहिए। इसके साथ ही मास्टर तारा सिंह जी ने भी एक अलग से एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसमें सिख समुदाय का हित निहित हो। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो बंटवारा था धर्म के आधार पर और उससे भी ज़्यादा था जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि हिंदू के बाद मुसलमान उस समय पर सबसे बड़ी जनसंख्या में भारत में रहते थे। और लगातार मास्टर तारा सिंह नाराज थे कि उनके लिए और सिख धर्म के लिए एक अलग से देश नहीं बनाया जा रहा है, या फिर ऐसी कुछ मांगे थी जो कि लगातार भारतीय संविधान उनको पूरा नहीं कर रहा था। और इसी को देखते हुए 1956 में पंडित नेहरू और मास्टर तारा सिंह जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें शैक्षणिक और आर्थिक और धार्मिक हितों की रक्षा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मास्टर तारा सिंह जी को एक पूरा खाका तैयार करके दिया और ये समझौता हुआ। लेकिन ये समझौता भी सिर्फ 5 साल तक चला। सिखों का कहना था कि भाषा के आधार पर एक अलग पंजाब राज्य की गठन की जाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था, वो भी भाषा के आधार पर, जिसके बाद सिख धर्म को ये कहने का मौका मिल गया कि हमें ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है। और इसी को देखते हुए 1 नवंबर 1966 को पंजाब को एक अलग राज्य का दर्जा मिला भाषा के आधार पर, जिसके बाद 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में अकाली दल ने सरकार से 3 प्रमुख बातें कही और उनकी मांग थी कि पंजाब को जम्मू कश्मीर के जैसे एक विशेष राज्य बनाया जाए, जिसमें रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा पर केंद्र सरकार का हक हो, बाकी सभी निर्णय वहां की पंजाब गवर्नमेंट ही करे। वो चाहते थे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पूरी तरीके से पंजाब को सौंपा जाए, पूरे देश में गुरुद्वारा समिति का निर्माण हो और सिखों को सेना में अधिक जगह मिले। ये उनकी मांग थी और ये मांगें 1978 तक चलती रही। देखा जाए तो अकाली दल ने कभी भी एक अलग देश बनाने की मांग नहीं करी, कम से कम लिखित के तौर पर, लेकिन पंजाब में ये मामला सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल के बीच आपस में चुनाव का मामला था, राजनीति का मुद्दा था। लेकिन खालिस्तान की मांग उठती है 13 अक्टूबर 1971 के बाद से, जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐड छपा और इस ऐड में खालिस्तान नाम का एक देश की घोषणा की जाती है और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया था। इस ऐड को छपाने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत एक समय में पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर हुआ करता था। 1959 में चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन गया और वहां उसने खालिस्तान के समर्थन में अभियान चलाना शुरू किया। जगजीत सिंह खालिस्तान की मांग को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस था। जगजीत सिंह जो खालिस्तान की मांग कर रहा था उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से आते थे। ब्रिटेन में जगजीत की मुहिम को कोई खास समर्थन नहीं मिला। इसी बीच 1971 में युद्ध हुआ और आंदोलन को हवा देने की कोशिश में पाकिस्तान ने जगजीत सिंह को मदद दी और पूरे पाकिस्तान में उसको आने के निमंत्रण दिया और वहां से फंडिंग चालू करी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, वैसे ही पाकिस्तान भारत के 2 टुकड़े करे।
और खालिस्तान से अच्छा मौका उसे शायद ही कभी मिलता। जगजीत सिंह ने विदेशों में इतना सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत देश में अलग देश की मांग को लेकर पंजाब में कोई माहौल नहीं था। जबकि 1973 में जैसा मैंने बताया कि वहां पर अकाली दल ने एक प्रस्ताव रखा था कि पंजाब को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक एक अलग देश की मांग को लेकर वहां पर कोई भी माहौल नहीं बना था। लेकिन जब 1977 में अकाली दल सत्ता में वापस आई तो जगजीत सिंह चौहान भारत लौटा और वहां पर उसने खालिस्तान की मांग को हवा दी। 1979 में ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी उसने। 1980 में उसने खालिस्तान नामक एक देश का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, खालिस्तान हाउस नाम की एक इमारत में उसने खालिस्तान के पासपोर्ट, डाक टिकट, खालिस्तान डॉलर भी जारी कर दिया। उसने ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में खालिस्तान के दूतावास भी बना डाले और इसी दौरान वो जनरल सिंह भिंडरांवाले से मिले और इनके संपर्क में आए, जिसका पंजाब में लगातार प्रभाव बढ़ रहा था। जनरल भिंडरांवाला को समझने के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि 1980 में कांग्रेस के प्रचार के रूप में भिंडरांवाला को पंजाब में एक प्रमुख चेहरे के रूप में आगे रखा गया था। वो इंदिरा गांधी के प्रमुख प्रचारक थे। वहीं 1981 में सिर्फ एक साल के बाद पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई। लाला जगत नारायण हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। इस हत्या में भिंडरांवाला के नाम जुड़े रहे और आगे चलकर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे कि भिंडरांवाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 दिन के जेल में भिंडरांवाला को इतनी पॉपुलैरिटी मिली जितनी की सालों में नहीं मिल पाई थी। और आगे चलकर भिंडरांवाले ने कांग्रेस के खिलाफ बोलना चालू कर दिया और अपने दुश्मन के तौर पर जो जाने जाते थे अकाली दल, उसके साथ दोस्ती कर ली और दोनों ने धर्म युद्ध मोर्चा नाम से एक आंदोलन की शुरुआत करी। यह आंदोलन का उद्देश्य था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट करवाना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें 3 मांगे अकाली दल ने उठाई थी, जिसके बाद सबसे बड़ी घटना हुई थी 1983 में, जब जलंधर के DIG SS अटवाला को स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर गोलियों से भून दिया गया था। पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया पंजाब में और IB के अधिकारियों को भेजा। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की और इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक तंक का इस्तेमाल किया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान बहुत से लोग मारे गए और इसमें भिंडरांवाले की भी जान गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बब्बर खालसा और अन्य आतंकी संगठन सक्रिय हो गए। 31 अक्टूबर 1984 को सिख समुदाय के 2 लोगों ने जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे देश में सिख समुदाय के प्रति लोगों में नफरत का माहौल फैला और एक भारी हिंसा हुई जिसमें सिख समुदाय के बहुत सारे लोगों की जान गई। इंदिरा गांधी के अलावा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या 1995 में कर दी गई। बेअंत सिंह कार में एक कार्यक्रम में जा रहे थे, उसी वक्त एक बम से उन पर अटैक किया गया। 1987 में भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल SS वैद को भी गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। कनाडा से लंदन होते हुए भारत आने वाले एयर इंडिया के विमान कनिष्ठ को 1986 में उग्रवादियों ने हवा में ही उड़ा दिया। इस हमले में 329 लोगों की जान गई। हालांकि केंद्र और राज्य के संयुक्त ऑपरेशन की वजह से खालिस्तान आंदोलन की मांग पंजाब में शांत हो गई थी और ये चीज़ें होने के बाद पूरे पंजाब के लोग ये समझ चुके थे कि इससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं है और फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगा, शांत होने लगा। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर शांत हो रही थी। विदेश में बैठे जो लोग लगातार खालिस्तान को समर्थन दे रहे थे, वो चाहते थे कि ये घटनाएं रुके नहीं, लगातार चलती रहे और इसीलिए वो लगातार किसी न किसी को ढूंढते रहते हैं जो कि इन घटनाओं को, इन मूवमेंट को, इन मांगों को लगातार सरकार से पूछता रहे और पंजाब में खालिस्तान की मांग उठाता रहे। और यही कारण है कि लगातार 5-10 साल बाद कभी भी आपको खालिस्तान की मांग उठाता हुआ कोई भी युवक नज़र आ जाता है।